गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ा न्यूज निकल के आ रहा है जीएसटी रिटर्न और इंटरेस्ट पेमेंट से रिलेटेड। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आ सके और आपको होने वाले बड़े नुकसान से आप अपने आप को बचा पाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जीएसटी रिटर्न नहीं भरने से होगा बड़ा नुकसान। जी हाँ फ्रेंड्स, एक कोर्ट का ऑर्डर आया है, एक स्टेट के कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसके अंदर काफी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जीएसटी रिटर्न और इंटरेस्ट पेमेंट से रिलेटेड। चलिए देखते हैं क्या उनमें बातें बताई गई हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जीएसटी के अंदर ये प्रोविजंस दिया गया है, अगर आप अपना जीएसटी का पेमेंट अगर आप आफ्टर ड्यू डेट पेमेंट करते हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है अंडर सेक्शन 50। तो मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ सेक्शन 50, फिर जो कोर्ट का ऑर्डर आया है इन रिलेशन टू सेक्शन 50 इंटरेस्ट को लेकर के, उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे बिना स्किप के। पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वाली वीडियो। और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि काफी लोगों को इस चीज से परेशानी अब आ सकती है। काफी बड़ा ये जजमेंट और ये डिसीजन लिया गया है। एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब हर एक पर्सन जिसको कि जीएसटी के अंदर टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है एक्ट के अकॉर्डिंगली और द रूल्स मेड देयर अंडर बट फेल्स टू पे द टैक्स और एनी पार्ट देयर ऑफ टू द गवर्नमेंट विद इन द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है और आप उस टैक्स को पेमेंट नहीं कर पाते हैं गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर विद इन द ड्यू डेट, विद इन द डेट प्रेस्क्राइब का मतलब होता है विद इन द ड्यू डेट, शैल फॉर द पीरियड फॉर विच द टैक्स और एनी पार्ट देयर ऑफ रिमेन्स अनपेड, और उस पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट देना होगा जितने पीरियड के लिए आपका वो वाला अमाउंट जो है वो अनपेड रहता है। सपोज आपको किसी महीने की जीएसटी आर 3 भी फाइल करनी थी 20 तारीख को, आपने फाइल किया 25 तारीख को, तो आपका जो टैक्स पेमेंट है टैक्स पेमेंट करने के लिए 20 तारीख का ड्यू डेट है, क्योंकि आप सभी को पता है बिना टैक्स पेमेंट किए आप उस टैक्स पेमेंट को करने के बाद ही जीएसटी आर 3 भी में अपनी लाइबिलिटी सेट ऑफ करते हैं और सेट ऑफ करने के बाद आप रिटर्न फाइल कर पाते हैं। दैट मींस कि अगर आप अपनी टैक्स पेमेंट नहीं करेंगे 20 तारीख तक तो आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे, और 20 के बाद आप जैसे ही फाइल करेंगे रिटर्न आपको इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। पे ऑन हिज ओन इंटरेस्ट एट, यहाँ पर भी एक चीज और है पे ऑन हिज ओन। काफी लोग इस दुविधा में है कि इंटरेस्ट जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर रहा है तो नहीं पे करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इंटरेस्ट जो है वो खुद ब खुद कैलकुलेट करना है, क्योंकि जीएसटी की जो रिटर्न्स हैं वो सेल्फ असेस्ड बेसिस पे फाइल की जाती है, टैक्स आपको सेल्फ असेस्ड बेसिस पे निकालना होता है, इसीलिए आपको जो है इंटरेस्ट पेमेंट करना है ऑन योर ओन। इंटरेस्ट एट सच रेट, इंटरेस्ट जिस रेट से प्रेस्क्राइब किया गया है फिलहाल 18% है, नॉट एक्सीडिंग 18% as may be notified by the government on the recommendation of the council, ये कहता है provision। अब इसमें सबसे important चीज जो है आपको जो interest का payment करना है उसमें आप interest calculate करने के लिए कौन सा tax amount को use करेंगे। Suppose आपका output tax बनता था 1000 रुपए, आपका input tax credit बनता था 500 रुपए, आपने late file करी है return, late payment किया है tax का, तो आप इंटरेस्ट किस चीज पे करेंगे, जो टोटल लाइबिलिटी आपकी है 1000 रुपए की उस पे आप इंटरेस्ट पे करेंगे, या फिर 500 रुपए एडजस्ट करने के बाद जो नेट लाइबिलिटी आपकी बन रही है उस पे आप इंटरेस्ट पे करेंगे। काफी सारे लोग क्या कर रहे हैं, नेट इंटरेस्ट अमाउंट जो है नेट लाइबिलिटी जो है जो आप कैश में पे कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उतने अमाउंट पे ही सिर्फ और सिर्फ उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट पे कर दे रहे हैं। सपोज आपका 1000 रुपए का आउटपुट था, आपका 2000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो अगर आप देखें तो यहां पर आपका कैश पेमेंट कुछ भी नहीं बनता है, लेकिन आपने चूंकि रिटर्न लेट फाइल किया है एज पर एक्ट ये कहता है कि आपको लाइबिलिटी जो है इंटरेस्ट लाइबिलिटी जो है वो आपको पे करना होगा। तो अब यहां पर लोग क्या कर रहे हैं, चूंकि हमारा कैश का पेमेंट कुछ भी नहीं है इसीलिए इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इनपुट हमारे पास ज्यादा था आउटपुट कम था इसीलिए इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट, अब जो कोर्ट का जजमेंट आया है जो ऑर्डर आया है उसमें क्या बातें बताई गई हैं वो अब हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है, एज पर द जजमेंट नो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल अनलेस जीएसटी रिटर्न्स आर फाइल्ड एंड अ टैक्स पेयर इज लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन एंटायर लायबिलिटी।
जजमेंट का क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि आप जब तक अपनी जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल कर देंगे, आपको किसी भी प्रकार का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, और अगर आप बाद में रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी जो टोटल एंटायर लाइबिलिटी है, आपको इंटरेस्ट का पेमेंट उस वाले अमाउंट पे करना होगा, ना कि नेट अमाउंट पे या फिर कैश पेड अमाउंट पे। दूसरा पॉइंट निकल के आता है, अंटिल द सेल्फ असेस्ड जीएसटी रिटर्न इज नॉट फाइल्ड, मतलब जो जीएसटी रिटर्न हम लोग फाइल करते हैं वो चूंकि सेल्फ असेस्ड बेसिस पे होती है, और वो सेल्फ असेस्ड जीएसटी रिटर्न जब तक फाइल नहीं हो जाती है तब तक आईटीसी इज नॉट अपडेटेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जब आप अपनी जीएसटी आर 3B भरते हैं, 3B भरने के बाद जब आप अपना लाइबिलिटी सेट ऑफ करते हैं या रिटर्न फाइल कर देते हैं, उसके बाद ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसके अंदर आपके आईटीसी का अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, एंड दस पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी बाय एडजस्टिंग आईटीसी कैन नॉट टेक प्लेस। जब तक आईटीसी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो नहीं होगा, तब तक आप उसको यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे अपने लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। तो जब आपने रिटर्न ही फाइल नहीं करी है टाइम पे, तो आप अपनी लाइबिलिटी को पे करेंगे कैसे बिना रिटर्न फाइल किए? तो यहां पर दो चीजें साइमल्टेनियसली देखनी है, आप पहले रिटर्न फाइल करेंगे तब आईटीसी एडजस्ट होगा। तो ऑर्डर में यह बताया गया कि आपको अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो आपको रिटर्न जो है बिफोर ड्यू डेट फाइल करना होगा। अगर आप आफ्टर ड्यू डेट फाइल करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट लायबिलिटी बनेगा वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स के अंदर, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे। तो जिस पीरियड के लिए आपने फॉलो नहीं किया है, जितना पीरियड आपका डिलेड है, उस पीरियड का आपको जो है आउटपुट लायबिलिटी के अंदर पूरा का पूरा इंटरेस्ट पे करना होगा। तीसरा पॉइंट निकल के आता है, दोज हु हैव डिलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स, जिन्होंने भी अपनी जीएसटी रिटर्न्स डिलेड करके फाइल करी है, विल हैव टू पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी विदाउट रिड्यूसिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। जिन्होंने भी डिलेड फाइलिंग करी है रिटर्न्स की, चाहे उनका टैक्स बन रहा हो या उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, दोनों ही सिचुएशंस में अगर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स है, तो आपने अगर कैश में टैक्स पे किया तो आपको कैश में टैक्स जो पे किया उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपको टोटल आउटपुट लाइबिलिटी पे लग जाएगा, और जो आपने इंटरेस्ट ऑलरेडी पे किया है वो लेस हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपका टैक्स जमा ही नहीं हुआ है, आपने क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड किया है किसी भी महीने में, तो उस महीने का जो आपका एंटायर लाइबिलिटी है पूरे के अमाउंट पे इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। इट विल बी शोन इन जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ओनली ऑन कैश बैलेंस और टोटल टैक्स लाइबिलिटी। जब आप अपनी जीएसटी की एनुअल रिटर्न या फिर जीएसटी की ऑडिट रिपोर्ट फाइल करेंगे, आपको उस समय भी अपना जो है ये वाला इंटरेस्ट लाइबिलिटी कि आपने किस किस महीने की जीएसटी या 3B लेट फाइल करा है और उसमें कितना इंटरेस्ट आपने शॉर्टफॉल पेमेंट किया है, इसका डिस्क्रिप्शन भी, इसका डिटेल्स भी जीएसटी एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट में भी डालना पड़ेगा। तो ये काफी बड़ा अपडेट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये। अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो काफी ज्यादा लिटिगेशन अब होने वाली है जीएसटी को इंटरेस्ट से रिलेटेड। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बिना शेयर किए मत जाइएगा, क्योंकि 100% लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और काफी लोग जो है वो अपनी रिटर्न जो है लेट फाइल कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट का पेमेंट या तो वो कर नहीं रहे हैं या कर भी रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नेट अमाउंट पे इंटरेस्ट पेमेंट दिखाया जा रहा है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई आपके साथ शेयर कर पाऊं। अगर आपको हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पे कमेंट करना है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अपना कमेंट्स और क्वेरीज वहां भी पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी लोग इस चीज में जो है गलतियां कर रहे हैं जीएसटीआर 3B फाइलिंग और डिलेड फाइलिंग से रिलेटेड। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पेज को अब तक फॉलो नहीं किया तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।